नमस्कार लाइव लगातार से, मैं राजलक्ष्मी। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हर ओर आज बड़े ज़ोरों शोरों से दी जा रही है। शुभकामनाएं दी भी जानी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसे लेकर सरकार के द्वारा कई प्रयास किया जाता है, कई निर्देश जारी किए जाते हैं। निर्देश यहाँ तक की है कि तमाम सरकारी कार्यालयों में जितना भी कार्य है सभी हिंदी भाषा में करने को मिलेंगे। और अगर आप कभी भी किसी भी सरकारी कार्यालय के कागज़ को पढ़ते हैं तो वो इतनी शुद्ध हिंदी में लिखी रहती है कि वो शायद आम लोगों की समझ से परे हो। लेकिन यहाँ पर दुविधा तब उत्पन्न होती है जब यही सरकारी कार्यालय शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं लेकिन जब इनके मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर हिंदी का बोर्ड रहने की जगह अंग्रेज़ी का बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में लगा रहता है। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आपको पढ़ने को मिलेगा, उपायुक्त कार्यालय पढ़ने को नहीं मिलेगा। बगल में ही आपको पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जगह आपको एसएसपी ऑफिस पढ़ने को ज़रूर मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आबकारी और मद्य निषेध विभाग और कोल्हान विश्वविद्यालय की जमशेदपुर शाखा का भी यही हाल है। आपको तमाम जगहों पर केवल और केवल बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेज़ी के बोर्ड देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आती है अपनी समस्याओं को लेकर मिलने के लिए उपायुक्त से या वरीय पुलिस अधीक्षक से, तो वो इससे अनभिज्ञ रह जाती है। इसके अलावा भी आपको कई ऐसे बोर्ड नज़र आएंगे जहाँ पर इसी तरह से हिंदी को नीचा दिखाने का प्रयास सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है। ये वही सरकारी विभाग है जिसे सरकार सबसे बड़ा हथियार मानते आ रही है और उनका कहना है कि यहीं से हम हिंदी को, पहले ही प्रयास में यहाँ पर हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है उसे मुंह की खानी पड़ती है और अंग्रेज़ी का दबदबा जो है वो ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई हम हिंदी भाषी राज्य है, या क्या हम वाकई वही राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसके बाद कोई यहाँ पर अपनी स्थानीय भाषा और तीसरी भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी को पहचाना जाता है। तो यह सवाल ज़रूर है और इस पर ज़रूरत है विचार की, विमर्श की और फिर बदलाव की। उम्मीद करते हैं कि अगले साल यह स्थिति जमशेदपुर में तो देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।